लोकसभा चुनाव का बिगुल फूक चुका है, सभी पार्टियां अपनी दमखम दिखाने में जुटी हुई है। ऐसे में वाराणसी की सीट बहुत ही अहम माना जाता है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से अपना पर्चा दाखिल किया है। हर हर मोदी, घर घर मोदी और सबका साथ सबका विकास, ये दो नारे देश में खूब चर्चा में रहे। वजह थे गुजरात के तत्कालीन सीएम दामोदर दास नरेंद्र मोदी। साल थे 2014 और चुनाव लोकसभा यानी आम चुनाव, जिसकी वजह से देश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और ऐसा ठीक 30 साल बाद हुआ था। देश में ऐसा अकेले किसी पार्टी को केंद्र में पूर्ण बहुमत मिला हो और पक्ष और विपक्ष ने ऐसा माना कि ऐसा मोदी लहर के चलते हुआ है। वही एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जीत कर काशी को सजाने और संवारने के लिए हर कदम उठाए हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काल भैरव मंदिर में पूजा की, साथ ही लोगों ने पीएम के काफिले पर फूल बरसाए। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि काशी और इसके आसपास के इलाकों में विकास की तकरीबन 24,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं चल रही है। साथ ही हृदय योजना के तहत यहाँ की धरोहरों, ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और संवर्धन का काम भी तेजी से चल रहा है। साल 2019 नारा मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा सुर्खियों में रहा। पीएम मोदी वाराणसी में नामांकन दाखिल करने से पहले भव्य रोड शो किया, जिसमें भारी तादाद में समर्थक मौजूद रहे। वहीं रोड शो के दौरान लोगों में काफी उत्साह और जोश भी देखने को मिला। पीएम मोदी ने भव्य रोड शो के बाद गंगा आरती भी की। शुक्रवार को वाराणसी से दूसरी बार नामांकन दाखिल करने के लिए आए पीएम मोदी ने कहा कि ये भगवान विश्वनाथ की कृपा है कि उन्हें काशी के लोगों की सेवा का अवसर मिला है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से नामांकन पत्र दाखिल किया। 2014 लोकसभा में बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पर्चा भरा। वही कांग्रेस ने मोदी लहर के सामने अजय राय को उतारा। चुनाव के नतीजे इस प्रकार आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5,81,022 मत हासिल किया था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने 2,09,238 वोट हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया था, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय 75,614 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस ने फिर अजय राय पर ही भरोसा जताया है। आपको बता दें कि मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अजय राय और सपा ने शालिनी यादव को उम्मीदवार बनाया है। नामांकन से एक दिन पहले गुरुवार को पीएम पहुंचे तो वाराणसी मोदी मय हो गया। इससे उनकी लोकप्रियता को समझा जा सकता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि मोदी का लहर जनता पर कितना असर करता है। ये तो परिणाम यानी 23 मई को ही पता चल जाएगा कि कौन होगा पक्ष और कौन विपक्ष। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज़।